स्टूडेंट ऑफ थ्री क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 5, आवर नेबर्स में हमने पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इंडिया का पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी जमहूरिया हिंदुस्तान। इसको अवामी ने जस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका कैपिटल न्यू दिल्ली है। लैंग्वेज जो हिंदी है। रिलीजन जो है ये सेकुलर स्टेट है, यानी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिलीजन मौजूद नहीं है। और इंडिया इज़ लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट यानी मशरक़ में वाक़िया, इसलिए हम इसको पाकिस्तान का मशरक़ी हमसाया भी कहते हैं। एंड शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर विथ इट। ठीक है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरहद बाउंड्री शेयर होती है। पीपल फ्राम मैनी रेस एंड नेशन लिव इन इंडिया। इंडिया में मुख्तलिफ मज़ाहब और कौमों के लोग आबाद हैं। दे हैव देयर ओन रिलीजन कस्टम। ठीक है, और अपने मज़हबी सकाफत रस्म व रिवाज रखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ इंडियन आर हिंदूज, बट द मुस्लिम आल्सो लिव देयर इन अ लार्ज नंबर। ठीक है, इंडिया की जो ज़्यादा आबादी है, मेजोरिटी कहते हैं बहुत बड़ी को, ज़्यादा आबादी को, वो हिंदूज़ है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में आबाद हैं। जी स्टूडेंट, करेंसी इंडिया की रुपीज़ है और इसका टोटल एरिया है 32,87,509 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ नेशनल इनकी लैंग्वेज में इंग्लिश भी शामिल है। पाकिस्तान का कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया पहले एक ही कंट्रीज़ थे जिसको सब कॉन्टीनेंट कहते थे। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और इंडिया ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ के तौर पर मैप पर ज़ाहिर हुए। ठीक है, और आबादी के लिहाज से इंडिया का शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों में होता है। जी स्टूडेंट, आज हम अपना लास्ट जो नेबर कंट्री उसकी भी रीडिंग हो कर ली है। ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है कि इंडिया का अपने इसके इंडिया के जो फैक्ट फाइल है, कैपिटल, लैंग्वेज, रिलीजन, करेंसी, टोटल एरिया के साथ साथ चारों नेबर्स कंट्रीज़ के फ्लैग ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आपकी बुक में इनके फ्लैग्स बने हुए, आपने अपने होमवर्क की कॉपी पर, या आपकी एक एक्टिविटी है कि आपने इन चारों कंट्रीज़ के फ्लैग अपने कॉपी पर ड्रा करने हैं, और इन चारों फ्लैग के साथ आपने पाकिस्तान का मैप, या आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे है, ठीक है, यहाँ से देख के ये भी आपने अपनी नोटबुक पर ड्रा करना है। यह आपकी आज की एक्टिविटी है। ठीक है, होमवर्क के तौर पर आपने इंडिया का फैक फाइल, ठीक है, वो करना, और एक्टिविटी में आपने चारों कंट्रीज़ के फ्लैग्स और पाकिस्तान का मैप ड्रा करना है। यह है आपका आज का होमवर्क है।